सबसे पहले तो हम सभी लोग यानी सरकार की तरफ से भी और जनता दल यू के तरफ से भी इस फैसले का, इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने ये जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है दलितों, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए, उसके अनुपालन पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। यह बिल्कुल स्वागत योग्य निर्णय है। बिहार के लोगों ने शुरू से ही देखा है कि कुछ लोग इस काम के विरुद्ध साजिश में शुरू से लगे हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था, या हर जात में गरीबों की पहचान करने का जो निर्णय लिया था, उसी समय से पता नहीं क्यों कुछ लोग खार खाए बैठे हैं। इससे किसी को क्या परेशानी होती है, हो सकती है, ये सोचने की बात है कि ये लोग शुद्ध रूप से सरकार के तो हैं ही, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक के विरुद्ध हैं, उनके अधिकारों के विरुद्ध हैं, ये उनकी हकमारी करना चाहते हैं। इसलिए कि आखिर चुनौती देने का प्रयोजन क्या हो सकता है, सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो उनकी गणना की है और जो एक आरक्षण देने का शुरू से ही एक फॉर्मूला रहा है, जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता रहा है, उसी के आधार पर बढ़ी हुई जनसंख्या या उनकी उनका जो प्रतिशत बढ़ा है, उस हिसाब से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। कोई इसमें असंवैधानिक या अनियमित कोई फैसला तो ये है नहीं। और ये लोग तो शुरू से लगे हुए हैं, जातीय गणना ही नहीं होने देना चाह रहे थे, और आज जब उसके नतीजे के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है, तब इन लोगों ने जो साजिश के तहत न्यायालय में चुनौती दी थी, आज इनकी साजिश भी बेनकाम हो गई। सबसे जो दुखद पक्ष है वो यह है कि भाजपा के एक बड़े नेता ने, जब बिहार विधानमंडल ने यह अधिनियम पारित किया था, उसी समय यह घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, और उसी के कुछ दिन बाद चुनौती दी गई। तो हमने उस समय भी कहा था कि इन दोनों में जरूर कुछ रिश्ता झलकता है। घोषणा होती है भाजपा के बड़े नेता के द्वारा, इसको चुनौती दी जाती है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को की साजिश को बेनकाब कर दिया और एडमिट कर लिया है। अब सामान्य प्रक्रिया के तहत जो इसमें न्याय या संवैधानिक मुद्दे होंगे, उन पर पूर्ण बहस होगा और न्यायालय फैसला करेगी। इसलिए अकारण जो बीच में इसको रोकने का प्रयास या रोकने की साजिश थी, जो षड्यंत्र था, वो आज विफल हो गया। और ये बिहार के आम लोगों और खास तौर से गरीब लोगों के लिए हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है, और सरकार को तो और ज्यादा खुशी है, क्योंकि इसके प्रयास को न्यायालय ने रोकने से मना कर दिया। ये तो अच्छी बात है, सरकार के पक्ष को मजबूती से न्यायालय में रखा गया। तो इन लोगों ने तो बहुत सारे तरकीब अपनाए थे, कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी, और
अंतिम दम तक प्रयास किया गया जो किसी तरीके से इसका क्रियान्वयन रोक दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने बहुत ही समझिए कि सही फैसला किया है। हम सभी स्वागत करते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं। इन दिनों बिहार सरकार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में है लगातार, अब देखा नहीं है क्या आदेश निकला है, और वो खुद विधायक हैं इसलिए सक्षम है, हम जब मामले को देख लेंगे कि सही माने में क्या है तभी कुछ उस पर हम अपनी बात या प्रतिक्रिया दे पाएंगे।